धातु और अधातु के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं और जो अधातुएं होती हैं, इनके भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन से होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जिनको हम देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो आपके जो गुण होते हैं उनको हम भौतिक या फिजिकली गुण कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे धातु, धातु की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में ही हम देखते चलेंगे यहाँ पे अधातु, अधातु की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अलग अलग प्रकार से गुण देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं धातु और अधातु की परिभाषा। परिभाषा कैसे बनती है, धातु की परिभाषा कैसे बनेगी, जब कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नॉर्मल बात है, यदि कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को देगा तो धन आयन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो धातुएं होती हैं, धातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, त्याग करती हैं, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के फलस्वरूप जो अधातुएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं, धन आयन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, धन आयन का निर्माण करती हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ये कौन से आयन बनाएंगे, ऋण आयन बनाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और धन आयन बनाता है तो उसे हम धातु कहते हैं, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है तो वो हमारा क्या होता है, अधातुएं होती हैं। इसके बाद हम अगली स्थिति में देखने वाले हैं अवस्था। तो सामान्यतः आपने सुना होगा हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो कमरे का ताप लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो धातुएं होती हैं, धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। यानी धातुओं की जो अवस्था होती है ये कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। तो यहाँ पर हम अपवाद को ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपवाद के रूप में क्या होता है, पारा होता है। पारा इसका संकेत क्या हो जाएगा, आपका Hg हो जाएगा। पारे को हम कभी कभी मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो धातु में सामान्यतः कैसी पाई जाती हैं, आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और अपवाद क्या हो जाएगा, आपका पारा हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अधातु। तो जो आपकी अधातुएं होती हैं ये कमरे के ताप पर सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाई जाती है। सामान्यतः तीनों ही अवस्थाओं में आपकी अधातुएं देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे, तो अगला हम देखेंगे यहाँ पे गुण धात्विक चमक। अगला गुण क्या हो जाएगा हमारा, धात्विक चमक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, धात्विक चमक माने धातुओं में पाई जाने वाली चमक। धातुओं में पाई जाने वाली चमक को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। तो जो धातुएं होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, ये आपका धातुओं में हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है कि धात्विक चमक है भैया, जब धात्विक चमक है तो चमकदार कौन होगा, धातुएं ही तो होंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, चमकदार क्या हो जाएंगे, आपकी धातुएं हो जाएंगी। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे तो अधातुएं, यदि देखें तो अधातुएं कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं। लेकिन इसमें भी हमें क्या देखना है, अपवाद देखना है। अपवाद को हम कहाँ पर लिख रहे हैं, कोष्ठक के अंदर लिख रहे हैं। तो अपवाद में क्या हो जाएगा, आपका आयोडीन। देखिए आयोडीन अधातु है, अब अधातुएं कैसी होती हैं, चमकहीन होती हैं। लेकिन जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन कैसा होता है, चमकदार होता है। तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, अपवाद के रूप में चला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आपका अगला गुण हो जाएगा अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखनी है अघात वर्धनीयता की। अघात वर्धनीयता हम कैसे कहते हैं, तो अघात वर्धनीयता यानी क्या होता है, जब किसी धातु को क्या किया जाता है, पीटा जाता है, पीट करके उसको किसके रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये गुण आपका क्या कहलाता है, अघात वर्धनीयता कहलाता है। आपने सामान्यतः देखा होगा जो आपका लोहा होता है, लोहे की क्या बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं। लोहे की क्या बनाई जाती हैं, चादरें बनाई जाती हैं। और यही गुण क्या कहलाता है, आपका अघात वर्धनीयता कहलाता है।
तो एक तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन ही आनी चाहिए अघात वैधनीयता की। तो यहाँ पर हमने आपको डेफिनेशन समझाई अघात वैधनीयता कैसे कहते हैं, जब क्या किया जाता है धातुओं पर किसी चीज का प्रहार किया जाता है और प्रहार करने के फलस्वरूप जो धातु होती है वो कैसे हो जाती है, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अघात वैधनीयता का गुण धातुओं में कैसा होता है पाया जाता है, अधातुओं में अघात वैधनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अधातुएं जो होती हैं अधातुओं में अघात वैधनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम अगले गुण को यहाँ पे क्लियर करेंगे, अगला गुण क्या हो जाएगा आपका तन्यता। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे हम देख रहे हैं तन्यता वाला गुण, तन्यता यानी अपनी सिंपल लैंग्वेज में हो जाएगा किसी वस्तु को खींचना। तो जो धातुएं होती हैं धातुओं को खींचकर पतले महीन तार के रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है या जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो सामान्यतः आपने देखा होगा सोना जो होता है या चांदी, ये आपके धातुओं के एग्जांपल हो जाएंगे, इनको खींच करके महीन पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सीधा कहेंगे कि जो धातुएं आपकी होती हैं धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये पतले तारों के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है उसी गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाती है, तन्यता की हो जाती है, लेकिन ऐसा अधातुओं में नहीं पाया जाता है। यानी अधातुओं में इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है कि हम अधातुओं को खींचें और खींच करके अधातुओं को पतले महीन तारों के रूप में कन्वर्ट कर दें यानी परिवर्तित कर दें। तो ये आपका गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता है। और आपका अगला गुण यहाँ पे हम देखते हैं, अगले गुण में हमारा हो जाएगा चालकता वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे नीचे मेरे हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ चालकता वाला। पहले तो हम चालकता की डेफिनेशन ही समझें। चालकता देखिए धातुओं में होती है, किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होती है। उदाहरण के द्वारा इसको हम क्लियर कहते हैं, जैसे यदि आप क्या कहते हैं किसी लोहे की छड़ को आप लेते हैं, लोहे की छड़ को हम क्या कहते हैं एक सिरे पर गर्म कहते हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय पश्चात जो लोहे की संपूर्ण छड़ है संपूर्ण छड़ कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इससे हमें ये स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इसमें ऊष्मा का प्रवाह हुआ है। तो ये ऊष्मा की कैसे हो जाएगी, चालक हो जाएगी। और इसी के ठीक यदि आप देखें विद्युत का उदाहरण, तो यदि आप लोहे की किसी छड़ को एक सिरे पर विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें उसके दूसरे सिरे पर भी विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। यानी इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो लोहे की छड़ है लोहे की छड़ में ऊष्मा का भी प्रवाह हो रहा है और ऊष्मा के साथ साथ इसमें विद्युत धारा का भी क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। यही गुण हमारा क्या कहलाता है, चालकता का गुण कहलाता है। तो जो धातुएं, अभी लोहा क्या है आपकी धातु ही है, तो जो धातुएं होती हैं धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। यानी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार का यह गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन ध्यान दें अपवाद के रूप में, अपवाद के रूप में यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका अधातु वाला पोर्शन है, अधातु में हमने कहा कि जो चालकता का गुण है ये अधातुओं में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो पेंसिल के अंदर जो लीड लगी होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक प्रकार की अधातु है और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ये आपका किसके रूप में आ जाएगा, अपवाद के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट लिख देंगे। तो ये आपका किसके रूप में है, अपवाद के रूप में है, ये आपका अपवाद हो जाएगा। तो सामान्यतः आपने यहाँ पर देखा धातुओं की डेफिनेशन देखी, धातु की अवस्था देखी, धात्विक चमक देखी, यानी धातुएं चमकदार होती हैं अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। और अपवाद के रूप में आपका था आयोडीन, आयोडीन चमकदार होता है अधातु होते हुए भी। अघात वैधनीयता का गुण यानी धातुओं को
पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? अघात वर्णीयता का गुण कहलाता है। और ये गुण आपका कहाँ पे पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है और अधातुओं में अघात वर्णीयता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता यानी धातुओं को खींचकर पतले महीन तारों के रूप में परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को आप क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो सामान्यतः आप एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझें तो जो सोने चांदी के जो तार होते हैं उनको खींचकर पतले महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गुण आपका क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और सोने चांदी के तार यानी सोने चांदी क्या है? आपकी धातुएं हैं, तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा चालकता। चालकता यानी क्या हो गया आपका? जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। कैसे याद रखेंगे आप? लोहे का भी जो मैंने आपको उदाहरण समझाया, उस उदाहरण के तो आप इसको क्लियर रखेंगे। और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो ये आपकी कुछ डेफिनेशनें थी, और साथ में इसका उदाहरण जो आपका है चालकता वाला, अधातु में जो अपवाद होता है, ये अपवाद भी आपको लर्न करके यहाँ पे रखना है। यानी जो ग्रेफाइड है ये अधातु है, फिर भी ये चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। ये आपका अपवाद स्वरूप दिया गया है।